गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। आज है 3 जून 2024। सुबह के बज रहे 9 और टेम्परेचर है 31 डिग्री। और आज का मैक्सिमम टेम्परेचर शायद 37 डिग्री तक जाएगा अकॉर्डिंग टू गूगल। और आईफोन में देखते हैं कितना दिखाएगा। जून में भी हमारे गमले में ये कुछ फूल अच्छे से खिले हुए हैं। ये कुछ सूख गए हैं, कुछ ये खिले हुए हैं। ये ठीक है दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं। हालांकि अभी बज रहे हैं 1:45। इतने सारे काम में फंसा हुआ हूँ भाई, बहुत बड़ी हेडेक ले ली है मैंने वो पुरपुल वाला जो होम स्टे है ना, और बहुत ज़्यादा एकदम से बर्डन आ गया मेरे पास। वो भटजी भी आएंगे और उनसे भी मीटिंग है जल्दी जून में उनके होम स्टे के रिगार्डिंग। और जो रानी पोखरी में जो होम स्टे दिखाया था स्टोन कॉटेज एयरपोर्ट के पास, वो भी बोल रहे हैं कि मेरे साथ काम कर लो। तो भाई इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा चीज़ों को। चलो सबसे पहले ईशान भाई वाली साइड पे चलते हैं। सो दोस्तों अभी सिस्दा रोड पे हूँ, 38 डिग्री इसमें दिखा रहा है। आईफोन में दिखाता हूँ कितना दिखा रहा है, 36 दिखा रहा है। और जोनी भाई आए हुए हैं तो उनको पिक कर लेता हूँ, फिर थोड़ी देर उनके साथ टाइम बिताना पड़ेगा, इधर उधर जाना पड़ेगा। कुछ भी काम करूँगा तो वो मेरे साथ ही रहेंगे। A few minutes later. So दोस्तों रात के बजने 9:30 और अब मैं जा रहा हूँ ओकवुड रेजिडेंसी पुरकुल, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी दिखाई ना जो Airbnb के लिए मैंने पार्टनरशिप में ली है। तो मैं सोच रहा हूँ आज रात वहीं पर रुकता हूँ और उस प्रॉपर्टी पे देखते हैं क्या कमियाँ हैं, क्या ठीक हो सकता है। तो फिलहाल मैंने सोचा आज रात वहीं पर रुक जाता हूँ। तो ये आगे ये जा रहा है ट्रैकर और इस पर लिखा हुआ है मैं भी बड़ा होकर ट्रक बनूँगा। भाई इस तरह की लाइन मैंने पहली बार पढ़ी है कि कोई ऐसा भी लिख सकता है। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ ओकवुड रेजिडेंसी में और यहाँ से मैं आपको देहरादून का व्यू दिखाता हूँ। देखो जितना भी दिख पा रहा है ये यहाँ से देहरादून दिख रहा है, क्योंकि हाई बैंक पे बना हुआ है ना, बिल्कुल मोस्ट नॉर्थ पार्ट है ये देहरादून का। इसके बाद तो फिर मसूरी वाले पहाड़ चालू हैं। ये सामने हयात होटल और इस तरफ ये सामने नीचे की तरफ पुरकुल एरिया, इसको बोलते हैं साला गाँव। और ऊपर की तरफ दिखाता हूँ देखो मसूरी रोड, ये पूरा मसूरी रोड जा रही है ऊपर। और इधर से देखो कार दिखाता हूँ आपको, कार चल रही है, ये दिख रही है ना मसूरी जा रही है कार, ये हाईवे पूरा मसूरी हाईवे। और इस तरफ भी भाई बहुत शांति है और हवा चल रही है, ये देखो यहाँ पर। आज रात मेरा यहीं पे स्टे है। और चलो ठीक है, इस ब्लॉग को करते हैं क्लोज, मिलते हैं कल मॉर्निंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। The next day. Good morning from देहरादून। आज है 4 जून 2024 और सुबह के 8 बज रहे हैं और यहाँ पे हो रहा है 28 डिग्री। और क्योंकि आज मैं इस होम स्टे में आया हुआ था और तो यहाँ ये बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ में है, फुटहिल ऑफ मसूरी में है, तो यहाँ का टेम्परेचर 4 डिग्री कम है जहाँ पे मैं रहता हूँ। और क्योंकि वहाँ पे 32 रहता है नॉर्मली दिन में जब भी मैं उठता हूँ। सो जो मैं रहता हूँ इन पहाड़ के पीछे इस तरफ पैसिफिक गोल्फ के पास ही रहता हूँ, सस्तधारा रोड पे। और ये आप देख रहे हैं ये पूरा मालसी हिल है, इधर DIT और IMS यूनिवर्सिटी देहरादून की। तो इस तरफ ये बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ है, यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन है। तो 28 डिग्री भरी जून में सुबह 8:15 बजे हो रहा है तो बड़ी बात है भाई। शायद मेरठ NCR दिल्ली की तरफ तो 36-37 हो गया होगा अब तक। और सामने देखो ऊपर की तरफ यहाँ पे पहाड़ों पे धूप आ गई है, क्योंकि सूरज देवता इस तरफ से निकल रहे हैं तो अब धीरे धीरे यहाँ पे धूप आनी शुरू हो जाएगी। और रास्ता थोड़े से इस तरफ बादल भी आए हुए हैं, हल्की फुल्की सी घटा भी रहेगी, तो काफ़ी शांति है सोसाइटी में। और मैंने पहले ही बोला था अगर किसी को इस होम स्टे में या यहाँ पर रुकना है इस प्रॉपर्टी में, यहाँ पे दो रूम तो सबसे टॉप फ्लोर पर हैं, आप यहाँ पे रुक सकते हैं। और यहाँ पे जिम भी बना हुआ है, तो कोई जिम करने का शौकीन है, मिस नहीं करना चाहता वर्कआउट, तो यहाँ पर ये मशीन्स को यूज़ कर सकता है। और इसी तरह से 3 रूम यहाँ पे नीचे की तरफ है, दिखा देता हूँ, यहाँ इस वाले फ्लोर पे बिल्कुल सेम रूम है और यहाँ पर काफ़ी स्पेस है और कार पार्किंग का भी एम्पल स्पेस है। बाकी ये ओकवुड रेजिडेंसी है और यहाँ पर ही इसका एंट्रेंस है और सामने एक रेस्टोरेंट भी है, अगर आपको यहाँ से खाना हो तो यहाँ से भी खा सकते हैं, वरना यहाँ पे किचन है तो किचन से भी आप यूज कर सकते हैं, किचन को भी यूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखो ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ है, टफन ग्लासेस है, आप यहाँ पे चल सकते हैं। देखो एनवायरमेंट दिखाता हूँ आपको, ये देखो चिड़िया बोल रही है इस तरफ। बाकी मैं एक बार फिर से रूम दिखा देता हूँ, इस तरह से ये रूम है, मेरा नाइट स्टे इधर ही था। और यहाँ पे भी PVC विंडो, यहाँ से भी इस तरह का व्यू आ रहा है। ठीक है दोस्तों अभी ओकवुड रेजिडेंसी से चलते हैं घर की ओर। बाकी ये सामने जो प्रॉपर्टी है सिक्योरिटी काफी अच्छी है भाई यहाँ पे। हेलो लक्ष्मी कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह लक्ष्मी बना रही है ब्रेकफास्ट,
और तुम कल सस्ताधारा गए थे, मजा आया? कल मैंने बहुत मजा आया। तुम भीड़ थी वहाँ पे जैसे कार? बहुत भीड़ थी। तो वापस जब आ रहे थे कार में, सही कह रहे थे है ना, और बहुत बहुत अजीब से लोग आ रहे होंगे, गंदे गंदे है ना। लेकिन हाँ इतना है कि हमने तो बहुत मजे किए, बहुत। तुमने शूटिंग में जीता था ट्रॉफी का डिब्बा, क्या हुआ? हम ना आ रहे थे, घर आ रहे थे ना, तो वहाँ पे आते हुए एक तो वैसे मतलब वैसे गिफ्ट वगैरह होते हैं ना, हाँ, बॉल वाला जो होता है जिसमें नंबर काउंट मतलब नंबर करने पड़ते हैं, वो बॉल ऐसे डालते हैं, तो वो तो अर्जित बोला कि खेलना है, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा तो खेल। अच्छा तुमने वो खेला था? नहीं बता तो रही हूँ। तो अर्जित ने वो लिया, उसके 21 नंबर हुए थे, 22 पे मिल रहा था, पता नहीं क्या। अच्छा तो उसने कहा जो वो खिलाने वाला था, हाँ, उसने कहा कि कोई नहीं बेटा आप फ्रूट ही ले लो। फिर उसने दो बार खेला, उसने दो फ्रूट पी ली। अच्छा एक दो बॉल मैंने भी डाल दी, 6 नंबर होता है उसमें, तो 6 बार ट्राई कर। अच्छा मेरे एक वहाँ पे ना वो रखी थी गन, रखी थी, मैंने कहा ये गन वाला भी देख लेता ना, हाँ। बोला गन वाला भी देखता है, मामा हाँ। भी देख लेता है। तो उसने वो वाला देखा, फिर कह रहा माचिस जैसे हाँ। चीजें रखी हुई थी ऐसे, हाँ। उसको माचिस की और रखी थी। अच्छा ठीक है, मैच बॉक्स। अच्छा। उसके ऊपर निशाना लगाना था बंदूक से, हाँ। जो जीतेगा उसको वो जो मतलब जिसपे मारेगा ना वही चीज मिलेगी। तो पता क्या, अंदर से मेरा मतलब अंदर से आ रही थी सामने ये टॉफी का टप्पा, सबसे जो सही था वो यही था, बाकी तो फ्रूट ये वो था, तो वो जीत गई। तुम बताता रही हूँ, चाचा जी कह रहे कि मैं चश्मा नहीं लाया ये वो, फिर मम्मी कह रही, चाचा जी बोली कि तू करके देख ले, मैंने कहा नहीं मुझसे नहीं होगा, मैंने तो आज तक चलाई भी नहीं है, कर करके तो देख। मैंने दो निशाने मारे, दो शॉट मारे, एक में तो नहीं निकला मेरे, उनमें मैंने तो काश ट्रॉफी का डब्बा होता मिल जाता। जैसे ही मैंने वो करा ना ये ट्रॉफी का डिब्बा जीता था लक्ष्मी ने कल शूटिंग में, क्या बात है, माचिस की डिब्बी में शॉट लगाया था इसने। अर्जित सुबह सुबह डॉक्टर का गया था, अभी आए हैं। इसके पेट में दर्द हो रहा है क्या? तो क्या बताया उसने? इंजेक्शन लगाया। क्यों, क्या खाया था इसने? कुछ खाया था क्या ससाधारा में? पानी दे दो, ग्लूकोन डी। किसके दिखा के लाए मदर? इंजेक्शन लगाया, पेन किलर ना दिया? नहीं पेन किलर की जरूरत नहीं, इंजेक्शन लगा दिया, दवाई दे दी। क्या कहा? हल्का बुखार भी बनना उसकी वजह से, हाँ। दस्त भी लग सके, इसके लगे ना भी दस्त लग सके, हाँ। तो इसलिए दवाई दी, हल्का बुखार की भी दी, हाँ। इसका वो होगा जैसे मेरा हो जाए फूड फूड पॉइजन इस तरह से हो गया, उल्टी लग रही है, उल्टी। चलो जल्दी। अभी ईशान भाई वाली साइड से ठेकेदार का फोन आया था, वो बोल रहा था कि रात को कोई ट्रक आया था 1 बजे, तो वहाँ पे जो वो लेडी है ना जो कुत्ते को ज्यादा संरक्षण करती है उसकी कार खड़ी रहती है, वो कार भी नहीं हटाती है और फिर ट्रक आने में बहुत दिक्कत होता है, तो वो ट्रक भी वापस चला गया था रात को, और जो हमारा सीमंटिया जो भी आ रहा था वो वहाँ पे आ नहीं पाया। तो अभी देखते हैं साइड पे जाके पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई है, और वो कुत्ते ने भी किसी को काट लिया रात दोबारा से वहाँ पे, तो डॉग ना बिग हेडेक है। तो मैंने नगर निगम वालों को फोन किया हुआ था, तो नगर निगम वालों ने किसी का नंबर दिया है जो डॉग को उठाती है, मतलब उठाने के उसको स्टेलाइज करती है और नसबंदी करती है, पर 5 दिन हो गए हैं वो आई नहीं है यहाँ पे। मैंने उनको मैसेज किया था आप आ क्यों नहीं रहे, कह रहे जब हमारा चक्कर लगेगा इस एरिया में तब आएंगे, तब उस डॉग को उठाएंगे। तो देखते हैं क्या हाल चाल है, मैं जाऊंगा प्लॉट पे और देखता हूँ किसको काटा है, क्या हो रहा है, और मैं उनको बोलूंगा कि कार अपनी यहाँ पे मत खड़ी किया करो। भाई लोग ना गली में कार खड़ी कर देते, सोचते हैं इनके बाप की सड़क है, और फिर रात को ट्रक वगैरह आता है तो वो कार हटाते नहीं है। ठीक है दोस्तों, अपने दिन भर के काम निपटाते हैं, सबसे पहले चलते हैं अतुल भाई के पास, जो स्थल में मेरा प्लॉट है वहाँ पर ही रहते हैं वो, तो उनसे मिलते हैं। मेरी उनसे कुछ देखते हैं, वो पूछ रहे थे मुझसे तुम्हें अपना प्लॉट निकालना है क्या, मैंने कहा निकाल देंगे भाई अच्छे प्राइस मिलेंगे, तो वो कह रहे हैं मेरे पास एक क्लाइंट है, तो एक बार उनसे मीटिंग कर लेता हूँ क्या बोल रहे हैं, फिर उसके बाद जाऊँगा मैं टेबल चेयर लेने। एक्चुअली मेरी 2-3 दिन से रिसर्च चल रही है, मुझे वो टेबल चाहिए जो गेमिंग टाइप चेयर नहीं होती, जो ऑफिस वाली चेयर होती है, मैंने अमेजोन पर भी देखी थी 3-4 चेयर, पर मैं सोच रहा हूँ वहाँ से ना मंगा के अगर मेरे को यहीं लोकल मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और टेबल भी बनवाएंगे क्योंकि मुझे एक इन्वायरमेंट चाहिए काम करने के लिए, कभी मैं लैपटॉप बेड पे लेके बैठता हूँ, कभी वो प्लास्टिक की चेयर है और टेबल है उसमें मतलब एक माहौल नहीं बन पाता और काफ़ी देर तक काम नहीं कर पाते, तो मैं सोच रहा हूँ एक मेरा सेटअप हो जहाँ पे मैं अपना एडिटिंग करूँ। देख लो भाई इतने दिनों से यूट्यूब चैनल चल रहा है, कोई टेबल चेयर ही नहीं है और बेड पर बैठ के एडिटिंग करके पूरा यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, बाकी नहीं तो बहुत यूट्यूबर तो ऐसे होते हैं भाई, अपना पूरा सेटअप तो लगाते ही हैं, पूरा YouTube चैनल मोबाइल से चल रहा है और बैठ बैठ के लैपटॉप से एडिटिंग से चल रहा है, बस करने वाला चाहिए क्योंकि मैं जो करता हूँ मन से करता हूँ, ज़बरदस्ती कुछ नहीं है मेरे लिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, रिकॉर्डिंग करना कोई बर्डन नहीं है, एडिटिंग करना पर हार्ड है, हार्ड बहुत है, पूरा रात के 2-3 बजे तक काम करते रहो,
लेकिन अब हो गया है मेरे को 3-4 साल 5 साल, अब इससे निकलना है मुझे, थोड़ा सा और आगे अपने आप को कुछ करना है ताकि और थोड़ा सा एक लेवल ऊपर हो जाऊं। इतना प्यारा स्थल का फॉरेस्ट, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, ये कभी नहीं हटेगा। हालांकि एक प्लॉट यहाँ पे आ चुका है, ये देखो, और इसके बराबर में यह है महेंद्र सिंह धोनी का प्लॉट, ये वाला। सिर्फ दो ही प्लॉट हैं, फिर राइट में जंगल है, फिर लेफ्ट में जंगल है, फिर थोड़ा सा छोट फॉरेस्ट लैंड है, फिर है गांव, फिर यहाँ से एक गांव शुरू हो जाता है, लेकिन वो गांव ना थोड़ा सा लेफ्ट में अंदर की तरफ है। देख लीजिए दोस्तों कैसा है अपना ये स्थल विलेज जहाँ पे अपने प्लॉट हैं, आजकल कैसा माहौल है। वहाँ पे भी सामने कोई घर बना रहा है या क्या बन रहा है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, सेटरिंग आ चुकी है पहले से पहले ही, और एग्जीबिशन का काम हो रहा है, जेसीबी साफ़ कर रही है फाउंडेशन के लिए, थोड़ा गड्ढे खोद रही है। और वहाँ पे वो वाला घर तो मैंने आपको दिखाया था, और बाकी ये अपना प्लॉट है पूरा, जिसकी मैं डील करने के लिए अतुल भाई के पास आया हूँ सामने। हालाँकि होगी नहीं, गांव में भी हैं कुछ लोग जिनको मैंने बताया था इसका प्राइस, तो वो पीछे हट गए थे। बाकी ये वाला प्लॉट भी 2 बार बिक चुका है, और ये तो लखनऊ वाले विवेक भाई का है ही, जो अब मुझसे अब इनकी बात नहीं होती है, कम होती है। बाकी ये बडोला जी ने घर बनाया है, चाहे चिड़ियाओं के काफ़ी बड़े शौकीन हैं, तो यहाँ पर चिड़ियाओं के लिए दाना पानी सब रखा हुआ है, अपना ड्रीम हाउस बनाया है इन्होंने, काफ़ी टाइम लग गया बनाने में। ये अतुल जी का घर है, चलो इनसे बात करते हैं, फिर बताऊंगा मैं आपको इनसे मिलने के बाद। A few minutes later. So, ठीक है दोस्तों, अतुल भाई से मुलाकात हो गई है, और सामने बडोनी जी का घर है अतुल भाई। और भाई यहाँ पे 34 डिग्री हो रहा है अभी टेम्परेचर, और इतनी गर्मी में एटलीस्ट यहाँ पे स्थल में तो काफी राहत है। भाई स्थल में मैं आपको दिखा रहा था ना, जेसीबी चल रही थी वहाँ पे, कुछ मकान बन रहा है, लेकिन वहाँ पे फ्लैट बन रहे हैं। अब पता नहीं 2 BHK 3 BHK कैसे बन रहे हैं, कौन बना रहा है, मैं मालूम करता हूँ और फिर आप लोगों को बताता हूँ यूट्यूब पे। और भाई बेस्ट ऑप्शन है, स्थल में फ्लैट बन रहे हैं, और भाई ले लो, छोड़ना मत, बिल्कुल भी मत छोड़ना, ऐसी जगह पे फ्लैट ले लिया ना मजा आ जाएंगे। सो दोस्तों सबसे पहले मैं अभी आया था कारपेंटर के यहाँ पे, तो मैं सोच रहा हूँ जो मुझे अपने लिए वर्किंग टेबल बनानी है वो इस तरह से इन सब डिज़ाइन करवा लेता हूँ, बनवा लेता हूँ, थोड़ा ठीक पड़ जाएगी और मजबूत भी, तो अपने हिसाब से डिज़ाइन हो जाए। पर ये तो है ही नहीं भाई, पता नहीं कहाँ जा रखे हैं। चलो फ़ोन करता हूँ, देखो इस तरह से टेबल बन जाएगी बड़े वाली। सो दोस्तों मैंने अभी कारपेंटर से बात करी, तो इन्होंने मुझे बताया कि जैसे इस तरह की टेबल है ना बन जाएगी बहुत बढ़िया ब्रांड न्यू, ये तो 2.5 और 4.25 है, 2-4 ओ की बन जाएगी, और बोल रहे 2800 रुपये में बन जाएगी भाई, अरे वाह। और भाई मार्केट में ना 6-7 हज़ार 8 हज़ार की मिल रही है इस तरह की टेबलें, जो शोरूम पे मिल रही है। बाकी आगे एक शोरूम पे चलते हैं, वहाँ देख के आते हैं। भाई जो पुरकुल में होम स्टे अभी देखने गया था मैं, जो लिया है, तो विवेक जी के होम स्टे में देखते हैं इस तरह के कैमरे लगाने हैं 5-6, तो बात करने हैं कितने में लगेंगे। तो ये है देखो फर्नीचर फैक्ट्री आउटलेट, यहाँ पे आया हूँ, मैंने OLX पे देखा था भाई ये, तो OLX से भी लोग बिजनेस खींच रहे हैं। तो इधर ही पार्क कर देता हूँ, देखते हैं इसके पास क्या क्या है। भाई आइटम तो इस पर बहुत रखे हैं, ये देखो बर्नर वगैरह भी रखे हैं कितने। बढ़िया है, कुछ भी ले रहा भाई यहाँ से। ये देखो टेबल भी है भाई, इस तरह का ही तो टेबल चाहिए था मेरे को, वाह। यहाँ पे ये चेयर काफी अच्छी लगी, बहुत पसंद आई ये वाली चेयर, बेस्ट है। ले जा लो। चलो मैं देखता हूँ, ये 1000 रुपीज़ बता रहे हैं यहाँ पे, थोड़ी सी पुरानी भी रखी है ये, और 7000 रुपीज़ ऑनलाइन मिल रही है। बाकी ये अच्छी नहीं लगी, ये टेढ़ी है, और बाकी टेबल भी भाई कुछ इस तरह से इंजीनियरिंग वुड, और बाकी ये पाइन की रखी हुई है, इनके प्राइस पूछ रहा हूँ मैं। भाई बहुत महंगी, बहुत महंगा फर्नीचर दे रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ चक्राता रोड चला जाता हूँ नवनीत वाले के यहाँ पे, क्योंकि अतुल भैया के पास गया था तो उन्होंने बोला था नवनीत अच्छा है, काफ़ी अच्छे रेंज पे और बहुत फर्नीचर है उसके पास, तो वहाँ देख लेते हैं टेबल और चेयर का क्या प्राइस है, वरना 2800 रुपये में तो बाहर बना ही रहा है वो। सो दोस्तों आज ना 4 जून है, तो रिजल्ट भी आए हैं, तो BJP शायद जीत रही है, और जीत गई है ऑलमोस्ट, लेकिन उसको ना बहुत कम वोट मिले हैं, मतलब एज़ कम्पेयर टू जितना वो सोच रहे थे कि 400 वोट मिलेंगे। मेरा तो मानना यह है कि BJP का जो इस बार कम वोट मिले हैं वो दो तीन कारणों से मिले हैं। एक तो वो लद्दाख वाला इशू है,
लद्दाख में वो जो पहले तो इन्होंने प्रॉमिस कर दिया था उनको वांगचुक और सोनम वांगचुक जो भी है वो, तो कि ये कर देंगे वो कर देंगे, और फिर पता है इतना प्रॉमिस करने के बाद और फिर वो तोड़ भी दिया जब इनकी सरकार बनी तो कुछ नहीं किया मतलब। और फिर क्या है कि वो ब्रजभूषण पे जो हरेसमेंट के केस लगे थे उसका कुछ नहीं किया, और फिर उसके बेटे उसको टिकट नहीं दिया तो उसके बेटे को टिकट दे दिया, तो दो तीन काम ऐसे हुए, तो उससे थोड़ा सा भाई फ़र्क तो पड़ता ही है, पर अच्छा है थोड़ा कम वोट मिले, थोड़ा सा मतलब ऐसा टक्कर मिलनी चाहिए ना, अब इनको भी थोड़ा थोड़ा सोचेंगे ये कि कुछ भी हो सकता है, अगली बार हार भी सकते हैं, तो अच्छे से काम करेंगे। अगर इस बार 400 पार पहुंच जाते हैं बम्पर वोटिंग पर इनको मिलती ना तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता, जैसे अभी ओवर कॉन्फिडेंस थे ये, लेकिन अब थोड़ा अकल ठिकाने आ गई होगी, अब ये ठीक काम करेंगे। सो दोस्तों ये नवीन फर्नीचर है सामने जिसके पास मैं आया था, लेकिन ये क्लोज्ड है, इतने दूर आने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, गेट भी बंद है इसका। चलो कोई बात नहीं, अब दोबारा से आते हैं, कल आते हैं। मार्केट घूमते घूमते मुझे लगी थी भूख, हल्दीराम से बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं है, मैं बर्गर किंग भी गया था लेकिन वो भी फ़ायदा नहीं है, जो यहाँ के राजमा चावल है ना वो सबसे स्वादिष्ट है भाई, राजमा चावल तो सुपर थे हमेशा की तरह। और आज इनका सीजलर भी ट्राई करते हैं जिसमें पनीर आलू और पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है इन्होंने, दाल मखनी भी और ये नान भी है। हल्दीराम का सीजलर इतना अच्छा नहीं था। सो भाई वापस मैं कारपेंटर जी के पास आ गया हूँ। अच्छा ये चार है, अच्छा ये पौने दो है, चार है, हाँ तो दो कर देना है ना, दो ऐसा कर देना, इसे थोड़ी सी और आग बड़ी कर देना, चार ही होती है, चार ही होती है। अच्छा सुनवाई का इतना ही आता है, तो ठीक है दोस्तों, टेबल बनाने का तो ठेका इसको दे दिया है, बोल रहा है 3300 रुपये में बना दूंगा, मैंने कहा चलो ठीक है। और ये देखो देहरादून में अपने घर के पास किरसाली चौक, राइट साइड में जाते हैं अस्थल, लेफ्ट में मसूरी हेलीपैड, वो पुरकुल वाले होम स्टे, इधर से जाना पड़ता है मेरे को, और बाकी ये मेन सस्तधारा रोड, बिल्कुल नॉर्थ पार्ट है ये, लग रहा है ना बढ़िया। पहुँच चुका हूँ भाई ईशान भाई वाले प्लॉट पे, और ये गाड़ी है उस लेडी की, देखो बिल्कुल ब्लैक फिल्म करवा रखी है, दिल्ली पुलिस का स्टिकर लगा रखा है, रात को यहाँ ट्रक आया होगा तो पता नहीं कौन सी गाड़ी है, केरला वाला भी यहीं भी खड़ी करता है, तो सुनने में आया कि वो देखो वो बैठा, वो वाला कुत्ता वो बैठा, ये बैठा। सो दोस्तों पहुँच गया हूँ ईशान भाई वाली साइड पे, और यहाँ पर जीने के लिए शटरिंग हो रही है, इन्होंने ये बांध दिया है सरिया, मतलब शटरिंग हो चुकी है, सरिया बांध दिया है। तो दोस्तों 6:15 हो रहे हैं और टेम्परेचर 32 डिग्री हो गया, यहाँ पे 34 मैक्सिमम गया था अकॉर्डिंग टू आईफोन, और 23 लास्ट रात में ड्रॉप डाउन हुआ था, और बाकी 6:15 बजे ये माहौल है। आज फिलहाल कल लेंटर डलेगा, तो इसकी तैयारी चल रही है, शटरिंग वगैरह हो गई है पूरे में, सरिया वगैरह बिछ गए हैं, कुछ कमियाँ थी जो कि आर्किटेक्ट ने आके दोबारा से सवारी है, वरना आज लेंटर डलना था तो 3-4 कमियाँ थी जो उसने ठीक करवाई हैं, इसलिए ठीक करने लग रहे हैं, और सरिया वाले ने भी कमियाँ कर रखी थी और शटरिंग वालों ने भी, बाकी इलेक्ट्रिक वाला भी अपने काम कर रहा है, वो सुबह को आर्किटेक्ट एक बार चेक कर लेगा, अगर कल फिर दोबारा से दिक्कत हुई तो फिर वो कल फिर लेंटर रुक जाएगा, फिर परसों डलेगा, तो इसलिए आर्किटेक्ट को मैंने बुलाया नहीं है अभी, उसकी विजिट सुबह करवाएंगे क्योंकि अभी ये वाला काम पेंडिंग है, तो आज अब ये वाला काम कर देंगे। पोली कैब के वायर है हैवी ड्यूटी, ये देखिए आप, पोली कैब हमने चूज किया है, मैंने कहा कोई बात नहीं, UPVC कंड्यूट पाइप है, और देखो ये जो होता है ना इस तरह का लेना चाहिए आपको, ये जला हुआ रहता है ना थोड़ा सा, ये हार्ड होता है, बाकी वो जो दूसरे वाला होता है वो इतना हार्ड नहीं होता, ये अच्छा है, तो ये हमने लगवाया, बाकी तो फिलहाल ठीक है, अखबार वगैरह इन्होंने ये ले आए हैं, और यही सब टेप वगैरह कुछ कहीं जा भी होगा, और बाकी ठीक है, बाकी कल आएंगे मॉर्निंग में, कल अच्छे से लेंटर डलवाना है, बाकी देखो यहाँ पे पैसिफिक का माहौल, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, उधर बास्केटबॉल खेल रहे हैं, और बाकी मैं दिखाता हूँ इस तरफ पूरा स्विमिंग पूल में अपना तैर रहे हैं ये लोग, यहाँ से कितना प्यारा व्यू आ रहा है पहाड़ का, और सामने इनका गोल्फ कोर्स है। सो दोस्तों पूरा दिन मैं इतना बिजी हो गया, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, मुझे अपने डेंटिस्ट के पास आना था, 6:30 बजे बुलाया था, 7:30 बजे याद आया, तो अब ये बोल रहे हैं कल आना, चलो कल जब लेंटर डलेगा तो उसके बाद कल आते हैं यहाँ पे। बाकी देखो शाम को क्या व्यू हो रहा है यहाँ से पहाड़ों का, ये सूखे पेड़ और बैकग्राउंड में पहाड़, अंधेरा हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट होने ही वाला है, देहरादून की एक शाम। सो दोस्तों बैक टू होम, और ये देखो अपना भांजा क्या कर रहा है, क्या नाम है तेरा, अरजीत, अरजीत क्या काम कर रहा है, और ये देखो भाई पेट में दर्द ठीक हो गया, और जिसको भाई बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, इसको टॉयलेट नहीं आ रहा था, अब जाकर शाम को टॉयलेट आया है। कौन सा गेम खेल रहा है? रेड डेड बाउंटी हंटर 2। ओहो, तो भाई हल्दीराम से मैंने रसबरी खरीदी थी, कैसी लग रही है लक्ष्मी? है मतलब इससे अच्छी है उससे जो मैं पहले लाया था सांवरिया से? उससे अच्छी है, सांवरी से अच्छी लग रही है, खुशबू आ रही होगी ना इसमें? अरे वाह, देखते हैं भाई हल्दीराम के कैसे रसबरी है, ये अच्छी लग रही है ना? ये बहुत स्टैंडर्डाइज है भाई हल्दीराम की, और ये ज्यादा दिन में नहीं चलती, ये 5-6 दिन ही चलती है बस, तो ये अच्छी है।
बेस्ट है भाई, ये खरीदो भाई, हल्दीराम की रसभरी अच्छी लग रही है बहुत। गुलाबरी की भी आ रही है खुशबू, गुलाब की खुशबू। हाँ, वही मैं कहती खुशबू आ रही है। आज के बाद यही मंगाएंगे भाई। बस जाओ भाई, रात के 11:30 बज गए हैं और मैंने अपनी कल की वीडियो कंप्लीट कर ली है। बस अब रेंडर हो रही है और इसके बाद फिर अपलोड होगी। तो ठीक है दोस्तों, आज का दिन यही था। और एक अपडेट यह है कि जो डॉग कैचर टीम है उनका मैसेज आया था कि कल वो उस डॉग को कैच करेंगे जो बहुत गंदा डॉग है, यहाँ पे सबको काटता है, तो वो उसको कैच करेंगे, कैच करने आएंगे। सुबह वीडियो बनाऊंगा, देखते हैं कैसे कैच करेंगे, आएंगे नहीं आएंगे, उठाएंगे नहीं उठाएंगे, जो भी रीज़न होगा, जो भी भारत के लॉ हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी काम करेंगे, हम लॉ के अकॉर्डिंग काम करेंगे, कानून को हम कभी भी अपने हाथ में नहीं लेते। तो ठीक है, मिलते हैं कल मॉर्निंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।